जोगनिया। हॉस्पिटल ले चलो हॉस्पिटल। मैं सलमान के पास। ये रहा, मैं हूँ सलमान, मैं हूँ सलमान। विराट हट, पीछे हटो, हटो। मैं हूँ सलमान, मैं कह रही पीछे हट। अरे चलो, थप्पड़ मारोगे? थप्पड़ मारो मुझे, ए थप्पड़ मारो मुझे, थप्पड़ मारोगी मुझे? हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, चलो बीबी को अंदर लेकर जाओ। चलो सलमान, सलमान अंदर बैठ। सलमान तुम लोग फिर से भाग रहे थे? फिर से भाग नहीं रहे, फिर से पकड़े जा रहे। आप लोगों ने कितना गलत किया, आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है। अंदाजा लगाए बगैर ही आज तक जिए हैं और जीते रहेंगे। मैं तब तक अंदर नहीं जाऊंगा जब तक मेरी बेटी नहीं आ जाती। तो फिर ठीक है, यही महफिल कर लेते हैं। आज आज नूर, आप जो ये काफला भगाने में मसरूफ थे पकड़े गए ना? अच्छा ना, मान जाए ना, सॉरी प्लीज, छोट लगी है मुझे। हो गई बातें आपकी, चोट तो नहीं आई? गाड़ी से टकरा है फिर भी बच गए। सलमान भी आ जाएगा, चलो और होश में ना करो तुम। इसको अंदर ले जाओ, सलमान की जगह बारिश को बेमान मिल गया था। चलो चलो चलो, अंदर ले जाओ इन सबको। चलो ए, तुम भी अपना अपना ड्यूटी पे चलो। हाँ हाँ, यस, गुड आइडिया, स्मार्ट बॉय, ले जाओ स्मार्ट बॉय। जल्दी क्या है? बात सुनो, इधर आओ। ये बॉडी जो बनाया इसका इस्तेमाल करो, जागो, दिमाग को खोल के रखो, सो मत। एक बंदा इधर से भाग गया तो मेरा नौकरी चला जाएगा। अटेंशन। मैडम को पता चल गया तो वो आ भी सकते। हेलो मैडम, वो तैमूर, इजहार, नूर और कभी ने फिर से भागने की कोशिश की है। अंधा, डॉक्टर बहराम कहे? वो आज फिर नहीं है, उनका फोन बंद था इसलिए आपको कॉल किया। अच्छा, मारपीट तो नहीं हुई ना? नूर को थोड़ी सी चोट आई है। ओह क्या, मैं आती हूँ। नहीं नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है, बस स्टाफ को मेडिसिन बता दें। चलो फार्मेसी जाना। बहराम कहाँ जाते? बब्बू। हाँ, मेरे बेटे हो तुम, क्यों खुद को जला रहे हो? पप्पू, पप्पू, क्या है फोन? पप्पू, कौन है अब्बू यहाँ पे? वोए अब्बू, वोए मेरे अब्बू है, वोए क्या लगा? उस्ताद, उस्ताद अब्बू है। पप्पू पागल हो गए उस्ताद,
आगे किधर जा रहा था? आगे भट्टी है, खा जाएगी तुम्हें। अब वो है मेरे जोर का मुझे वो एक कोई अपुन नहीं है। तुम जाओ। कहता था ना तुझे, ये ट्रक है। आज देख लिया, मत्थे लगेगा ये। इसको, इसको मैं फारक करवाता हूँ। अल्लाह ना करे इसमें अगर घुस गया तो हमारे लिए मसला बन जाएगा। लड़के, ओ शैतान, आके खिलाड़ी। जी अम्मी। अब तो आग से नहीं खेलता। खेल कर छी चुके हो। ये जली हुई माँ ट्रॉफी है तुम्हारी। आपने आवाज दी थी। मेरी जिंदगी फूंक कर अब खुद को ना सुलगा, शादी कर ले। मुझसे ये नहीं होगा। जो नहीं हो सकता तुमने हमेशा वही किया। मेरे अलावा किसी और को अब मौका दे, वो तुझे जलाए फिर बुझाए, तेज आग पर तुझे भूने, घर बसा ले। अब मुझ जैसा बर्बाद आबाद नहीं होगा। अगर मुझे आपका ख्याल ना होता तो कब का किसी जलती हुई भट्टी में कूद गया होता। पास ना कर, लड़की देख, लड़की। ये इस लड़की का क्या चक्कर है, क्यों भागी है फिर? मैम एक्चुअली वो सलमान से बात करना चाहती थी। तो उसमें रनअवे ब्राइड बनने की क्या जरूरत थी? आप फोन पे बात करवा देती। हमने कहा था उससे फोन पे बात कर, लेकिन उसने नहीं की। मुझे पता लगा कि आपने अपनी रात की दवाई नहीं ली। भूल गया था। भूलनी नहीं है, और वो कोई ऐसा केमिकल नहीं है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ही तो है, जो एक नेचुरल सप्लीमेंट है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? देखें वक्त पे दवा लें, ठीक है? थैंक यू। आप तैमूर अली खान को भी तो देखें, उनको डिफरेंट एक्टिविटीज और थेरेपीज में इन्वॉल्व करें, वरना वो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते जाएंगे। एक्चुअली मैम एक दो बार मिसेस तैमूर आई हैं यहाँ पे, बट आपको तो पता है कि तैमूर जैसे ही उनको देखते हैं उनको पैनिक अटैक्स आ जाते हैं। सो आई विल ट्राई टू। ओह आई सी, ठीक है, मैं देखती हूँ। मारिया आए जरा मेरे साथ, मुझे बताइए क्या कह रही थी आप, क्या इशू है? वही बात है मेरा। मारिया, ये तो हम रोज होने लगा। ये हमारी टीम का फेलियर है मैम। तुम्हें ये कैसे लगता? 3 माह में 5 बार दी इलेवेंस क्लब के मेंबर्स ने फरार होने की कोशिश की है। ये तो किसी चीज से घबरा कर किया जाने वाला बिहेवियर है, जो मेरे ख्याल से नॉर्मल है। ओके अगर ये सब नॉर्मल है तो फिर मैं क्यों ओवर सेंसिटिव हो रही हूँ? मारिया, जब तक तुम डॉक्टर बहराम को नीचे दिखाने की कोशिश करती रहोगी इसी तरह होगा। नाइस लूज जैकेट सिर्फ कान में लगेगा। ठीक, और आम था नूरी, थोड़ी शुक्र करो तुम बच गए। तुम शुक्र करो मैं बच गई, वरना सभी शामिल तफ्तीश होते। कहाँ की तैयारी है पगली कहीं की? कमरे की तैयारी है पगली, यहीं की कहीं की कहाँ की। क्या हुआ, यहाँ ब्रेक क्यों लगाई? यहीं रहती है वो। ए रात गई बात गई,
रात गई ना बात। नूर का दिमाग ठीक हो गया तो 11th क्लब में सुकून आ जाएगा। ये सब उसी का किया था। मैं तो कहती हूँ उस धोखेबाज फ्रॉड इंसान सलमान को यहाँ आने से रोको, लेकिन टीना की कौन सुनता है? मैं हेडमास्टर नथावरियाम। तुम ना ही सुनो तो अच्छा है। इधर और कभी तो लंबे गए, साथ सेठ भी। यानी जो आजादी मांगेगा वो सजा पाएगा। यहाँ 5-star रिहायश, इतनी अच्छी लाइफ मिली हुई है। हमारे इतने से घरों में ना हमें धक्के मार के निकाल दिया गया था, ना कोई सुनने वाला ना कोई समझने वाला। कैद तो हम यहाँ से बाहर। आपकी ये बात इनके पल्ले पड़ जाए तो क्या ही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, मासूम बनते हो। मुझे याद है इन फरारियों के साथ तुम भी शामिल। बैंड मास्टर की बातों में आ गया था, कभी कभी आ जाता हूँ। वैसे दोस्त तो अच्छे रखने चाहिए ना। चली गई है। आप लोग अगर इस इदारे को और मुझे जरा भी अहमियत देते तो कभी इतना खतरनाक कदम ना उठाते। कदम तो बड़ी एहतियात से उठाया था जी, लेकिन पकड़े गए और अब गंदे हो रहे हैं। चुप रहो और सिर्फ सुनो। आइए मास्टर जी, वक्त मिल गया आपको। बस कहा, मैं तो धुन भर आ रहा था, आपके बीले उठा रहा है। मैं जाऊं? बैठो। आप तीनों को हम मेंटल हॉस्पिटल वापस भेज रहे हैं। जेल भिजवा दो, मैं पागलखाने नहीं जाऊंगा, वहां मुझे सौरत से खतरा है। तो मुझे जो खूब तेली से। और हमें आप लोगों से खतरा है जो हम मोल नहीं ले सकते। बस अब फैसला हो चुका है, तैयारी करें वापसी की। हमें एक मौका मिलना चाहिए। एक मौका? आपकी फाइल तो बगावत और तोड़फोड़ से भरी पड़ी है। क्या गारंटी है कि अब नहीं करेंगे? गारंटी तो कोई नहीं। मैम प्लीज आप मेरी बात। डोंट टच मी। आप लोगों ने क्या चेकपोस्ट बना रखी है? अंदर एटम बम बन रहा है। मैम प्लीज आप हमारे साथ ताबन कीजिए। रिश्वत चाहिए? मैम अगर फरार की कोशिश में तैमूर को कोई हादसा पेश आ जाता तो कौन जिम्मेदार है? आपको किसने ये खबर दी कि तैमूर यहाँ? कोई अंदर का आदमी है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं अपने शोहर को अपने साथ वापस लेकर जाऊंगी। आपके शोहर इस वक्त एक नफसियाती मर्ज से लड़ रहे हैं और यहाँ एक कायदे कानून के तहत आए हैं। आप उन्हें फौरन वापस नहीं ले जा सकते। अगर तैमूर को यहाँ कुछ हो गया तो घर से ज्यादा यहाँ महफूज है आपके शोहर। हो आई सी। कोई फायदा नहीं इनसे बात करने का, फजूल वक्त जाया कर रहे हो। ओके ओके, मुझे बात करने दे। मेरे कहने पे एक चांस दे देना। हो सकता है ये इस इदारे और यहाँ होने वाले काम की सेंसिटिविटी को समझ। प्लीज। यहाँ कोई हमारी अजियत समझता भी है? हमारी? आप सिर्फ अपनी बात करें। सिर्फ अपनी बात करके हमने अपना हाल इतना बिगाड़ दिया। यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं आया, जबरदस्ती लाया गया है। हमारी जगह आके देखो, जीना हराम हो जाएगा तुम्हारा। क्या बात कर रहे हैं आप? आप तो हर साजिश में शरीक हो जाते हैं। क्या करें? दो दिन शेव ना करे तो चिट्टी दाढ़ी निकल आती है इसकी। कुछ लिहाज करे। और तुम? कानून पसंद शहरी हूं जी, जरा सा बह गया था। मुझे तो आप यही रहने दें। मैं तो हुई आपका दरबारी। तो जीतने गए हो? नेवर माइंड, कोई गल नहीं। फिर से चाय के साथ बिस्किट भी प्लीज। करेले गोश्त हो, थोड़ा जिन्ना हरा हरा हरियाच, निकिया निकिया मर्चा दे, हल्के हल्के प्याज पाके उधर छिड़काव कर दियो। देसी आटे दी रोटी होवे तो उत्ते देसी क्यों, हल्का हल्का निवा निवा जा लगा होवे, नाल थोड़ी जी कच्ची लस्सी होवे। हाँ हाँ, क्या मुझे तुम्हारी काउंसलिंग की जरूरत है? इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। तुम मुझे पागल कह रही हो और इसमें कोई हर्ज नहीं है। देखिए मिसेस तैमूर, आपके शोहर की बीमारी की वजह से या किसी दबाव की वजह से कोई एंग्जाइटी हो जाए, डिप्रेशन हो जाए, तो आप एक साइकाइट्रिस्ट के पास ही जाएंगे, राइट? नहीं, मैं उस दबाव का गला दबा दूंगी। अब मैं समझ गई, तुम्हें भी उस नफसियाती मरीज ने
मेरे बाप का लूटा हुआ पैसा दिखाया। मैं सबको देख लूंगी। सुना तुमने? मैं सबको देख लूंगी, देख लूंगी सबको। डॉक्टर बहराम का फेस है, आप इस औरत को नहीं जानते। जान ही तो गई हैं। Get me the files now. Sure. मैम, टीना और नूर का क्या करना है? कुछ नहीं, तैमूर की फाइल्स निकालो। काफी चोट आई होगी तुम्हें तो? ये क्या कर रही हो? मेकअप कर रही हूँ। सलमान आने वाला ना, उसे तैयारी बहुत पसंद है। हमेशा मुझे कहता है कि प्रॉपर नेल्स और ब्लो ड्रायर तैयार रखो। तुम्हारी ये शक्ल देखकर वो भाग जाएगा। इतनी बदसूरत हो गई? नहीं, खूबसूरत हो बहुत, लेकिन कल रात जो तुमने फरार की कोशिश की उससे मैं नाराज हूँ। Who cares? जो मसला है मुझे बता दो। इंसान कोई मसला हल नहीं कर सकता, इसलिए मैं ना दोस्त बनाती हूँ ना ही दुश्मन। वैसे एक दुश्मन है मेरी, छोड़ो। छोड़ दिया, लेकिन नूर, कायनात में सिर्फ सॉल्यूशंस है, प्रॉब्लम्स सिर्फ यहाँ है। करेक्ट। तुम्हारे इश्यूज ज्यादा नहीं है दोस्ती। वजह? दोस्त बुरे वक्त का साथी होता है। साथी होता ही बुरे वक्त है, अच्छे वक्त में तो साथ शराबी होता है। मेरे पे तो दोनों वक्त नहीं गुजरे। तो फिर तुम कौन? हाँ भाई, किस चक्कर में है? सलमान को बुलाओ वरना फिर भाग जाऊंगी। ओके। I was waiting so anxiously for you. शुक्र है कि तुम टाइम पे आ गई। तानिया, तुम बैठो, मैं सलमान को बुला के लाती हूँ। सलमान। सॉरी, आंखें अक्के। मेरे पीछे देखो। बड़ी मुश्किल से मैं यहां आई हूं। वैसे होश करो और देखो, वैसे जितनी खूबसूरत है ना, उससे कहीं ज्यादा दौलतमंद है। अगर आज वो यहां से तुम्हारी हुए बगैर चली गई ना, तो समझो मैं खाली हाथ रह जाऊंगी। माँ बनकर पाला ना मैंने तुम्हें, मुझे मेरा हक चाहिए। यूएस में स्टडी करते हुए मैंने ऐसे मरीज देखे हैं जिनका जिंदगी का मकसद उनको जब समझ नहीं आता था तो वो एंटी डिप्रेसेंट पे चले जाते थे, और अंजाम नफ्सियात ही उलझ। हर इंसान तरक्की करने के लिए काम करता चला जाता, पेट का नाम लगाकर। दो रोटी से भर जाता है इंसान का पेट, लेकिन मन ना भरे तो कारून का खजाना भी कम है। मुझे इस औरत की समझ नहीं आती, इतनी पढ़ी लिखी, अमीर कबीर, इतना बड़ा काम कर रही है, लेकिन फिर भी हर वक्त रुपया पैसा। सोचता हूं किस दिन खरी खरी सुना दूं उसे। बॉस इज ऑलवेज राइट। मैं मिस शालम की बात नहीं, मिसेस तैमूर की कर रही हूं। आई थिंक उन्हें हेल्प की जरूरत है, उन्हें भी थेरेपी की जरूरत है। मसला हल होगी, अमूर की बीवी और उसकी बेटी का भी फॉर्म भर देते हैं, दो नए मरीज आ जाएंगे और खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने तीन। बातें खूब बनाते हो तुम। परी से मिलकर मुझे पर लग गए।
बेटे। कान लगाकर दूसरों की बातें सुनना बहुत बुरी बात है। जी मैं आपकी बात समझ गई। वैसे बात क्या थी? ये इमारत ना तो पागलखाना है और ना ही यहाँ पे कोई पागल। अलबत्ता लोग समझते हैं और कहते भी हैं, तो इन पागलों का मैं क्या करूं? तुमसे जितना कहा है तुम उतना करो। लेकिन इस वक्त कोई मेंबर इस काबिल नहीं है कि उसे घर वापस भेजा जा सके। तूबा मैं डॉक्टर बहराम की बात कर रही हूँ, तुम क्या समझ रही हो? वो एक ईमानदार इंसान है। इंसान ही तो नहीं है जो किसी को रद्द कर दे, वो इंसान। हाँ एनीवेज द 11th क्लब एक ऐसी ख्याली दुनिया है जहाँ पे उन मेंबर्स को लाया गया है जो अच्छा लाइफस्टाइल और सुकून की जिंदगी गुजार कर शायद ठीक हो सकते थे, और ये लोग जाएंगे अपने घरों को वापस, तभी तो फंडिंग आएगी और नए मेंबर्स आएंगे ना। लेकिन तुम्हारे डॉक्टर परी और डॉक्टर बहराम क्या कर रहे हैं? इन तमाम मेंबर्स की कहानियाँ सुन रहे हैं एज इफ दे हैव टू राइट अ बुक। देखो इन मेंबर्स का वापस जाना बहुत ज़रूरी है और वो इस सब में रुकावट बने। तो आप मुझे ये सब क्यों बता रही हैं? मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना रीमा, साइलेंट लवर बनी हुई है, बहराम की हर गलती पे पर्दा डालती है। मैं चाहती हूँ कि तुम रीमा पर नजर रखो। सॉरी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सिर्फ बहरी नहीं अंधी भी हूँ। वाशाल कैसे कैसे लोग रखे हैं ना अपने दी इलेवेंस क्लब में। उठो उठो तानिया आई है, कमान कमान कमान। मैंने बहुत जबरदस्त ब्रेकफास्ट भी तैयार किया है। ये लो तानिया तुम्हारा मेहमान। हाय, लॉन्ग टाइम। इंडीड। यू गाइस कंटिन्यू टॉकिंग, आई हैव टू टेक अ फ्यू कॉल्स। आई ट्राइड कॉलिंग यू ट्वाइस, क्योंकि तुमसे रब्ता ही नहीं हो पाया। कहाँ थे इतने दिन? खो गया था। देख लो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। किरण जी कह रही थी कि काफी मिस करती हैं वो मुझे। yeah, करती हैं। हर रोज बात करती हैं तुम्हारे। और तुम? कभी कभी नहीं, मैं भी रोज याद करता हूँ तुम्हें। आखिर दो घंटे मंगेता रहा तुम्हारा। हम फिर मिल सक अगर मैं जाऊं तो डैड का दिल नरम हो जाएगा। गुड फॉर यू एंड मी एज़ वेल। मैं पास हूं तुम्हारे, खुशी से मुस्कुराओ, इस तरह जबरदस्ती नहीं। लॉन्ग ड्राइव पे चलो कल। मिस क्या करूं मुझे, अच्छा लगेगा। कुछ कहो। ब्रेकफास्ट बीबी साहिबा। हमने सुना है ज्यादा सेल्फी बनाने वाला नफ्सियाती हो जाता है। अपने कान में शीशा डलवा लो ताकि गलत सुनने वाला सुराख बंद हो जाए। आप भी बीबी जी इसमें मोबाइल डलवा लो। लाला हुस्न का इजहार होता है सेल्फी, एक आर्ट होता है सेल्फी। बदतमीज। क्या कहने, क्या बात है? इस पागल खाने का मुहावरा सबसे बड़ा पागल है। क्या बोला? सीधा हो जा, सीधा हो जा, नहीं तो तुमको गोली मारेगा। हाँ वार्डन कब से बुला रही है तुम्हें? चलो अभी आया जी, आके तुमको बताता है। हाँ बताता है। तुम
ड्रामा सीरियल बनाए। लेकिन आजकल के जमाने में पैसा बहुत लगता है, कहाँ से आएगा? आपके उल्टे हाथ के रिंग फिंगर की मार है ये पैसा। ब्रांड ढूंढे, ब्रांड इन्वेस्टर पकड़े हैं, इन्वेस्टर। सोचा जा सकता है, आ जा। ओए खाना खराब है, लड़की देख के औकात दिखाते हैं। लाला है? तुमने उल्टी बंदूक पकड़ी हुई है। अच्छा शेरी कर, चला चलो है, तुम्हारे मुंह के पीछे छोड़ देता है यार, गर्मी से भी चल जाता यार। खुदे दी सबर राखी, रोग सड़ी ना कम अकल जोड़े। ट्राई टू अंडरस्टैंड सलमान, नूर ने कल रात तुमसे भाग कर मिलने की कोशिश की है, केस अब सीरियस हो गया, हमें बहुत जल्द तुम्हें उसकी पिक्चर से आउट करना होगा। तुम्हारी सारी बातें ठीक है डॉक्टर बहराम, लेकिन इस थेरेपी के बाद या तो मैं साइको हो जाऊंगा या साइकेट्रिस्ट। आना तो पड़ेगा वरना नूर की हालत आकर देख लो तुम, वरना हमें उसे क्लोज वार्ड या फिर पागलखाने भेजना पड़ेगा। बेखबरी अच्छी चीज है, जब तक उसे साल में देखा नहीं था मैं ठीक था, लेकिन ये सब मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, क्या बताऊं तुम्हें। लेकिन खैर छोड़ो, मैं आता हूं। ओके थैंक्स सलमान, आई विल बी वेटिंग। मैं देखता हूं। आई गेट इट, बट मेंटल हॉस्पिटल, पागलखाना, हम कहाँ किसी मरीज को भेजते हैं वहाँ? सलमान को बुलाने के लिए कुछ तो कह रहा था ना। मेक सेंस। सुनो, मुझे किसी ने बताया तुम कल रात फिर गायब थी, कहाँ गए थे? जो आग अभी लगी नहीं उसे बुझाने गया था। खैरियत? एक जानने वाला बीमार है या? ड्रामा सीरियल देखने से ज्यादा ड्रामा बनाने में मजा आता है। एक्टर मॉडल नंबर वन हीरोइन, सीरियल का नाम भी ना उसका डालो। सीरियल का नाम है नूर और टीना, जहां टीना मोहब्बत नफरत करती है और नूर इश्क करती है। किससे? अच्छा कहानी कुछ ऐसी जाती है कि दोनों लड़की को एक ही लड़के से प्यार हो गए। लड़का हो तो तब ना, अब होता भी यही है, होना भी चाहिए। टीवी पे तो शायद रेप बैन है, तो देवर भाभी साली शाली का चक्कर चलाए। दुनिया में दो चार ही बदबख्त लोग होंगे जो देवर भाभी और बहनोई के मुकद्दस रिश्ते की बेहरुमती करते हैं, ऐसे इनका जिक्र करना जरूरी था क्या? दिल पे मत लो यार, ड्रामा है, विलन भी तो चाहिए। कह दो आशिक होता है और बस माशूक, कह दो तो फर्जी कैरेक्टर था। चले आज थक गया, आज का सेशन नहीं होगा। आ जाए प्लीज, ऑर्डर्स हैं। फांसी के? अच्छी बात मुंह से नहीं निकलती या करना भूल गए? मेरे फार्म हाउस पे कब्जा क्यों हुआ है? मेरे अकाउंट्स को फ्रीज करने की कोशिश में जो लगा हुआ है वो स्त्री की मुंह वाला, वो मेरी तफ्तीश करेगा? नहीं डॉक्टर परेशान। हाँ फिर ठीक है, लड़की का सुनकर मान गया। वैसे मैं जवानी में भी लच्चर नहीं था, एक ही शादी की है वो भी अरेंज्ड, और अपने से बड़ी उम्र की औरत से, और आज तक बीवी तसव्वुर में आके कत्ल कर करती है।
बैठो। तुम्हें सारी आवाजें आ तो जाती है, कहती तो मुंह बहरी हो। क्या दो? ए चाचा कह दो, वापस अपनी जगह पे। ओए कुड़िए, ओए पाइये ने कहा कि तेरी डोली खेड़े दे कार जाएगी, ओए रांझे दे नहीं। गलती मेरी थी, माशू गलत था ना कह दो, लेकिन मेरा दिल कहता है वो आएगा, जरूर आएगा। अब कौन सा है मेरे में मुश्किल है और थोड़ी। ऐ मुझ पे फोकस करो, हीरोइन मैं हूँ। कर लिया, कहानी में थोड़ा सा सास बहू का भी तड़का लगाएंगे ताकि कहीं फीका ना रह जाए। जिस रिश्ते निभाने ना आए उसे, और जो ऐसी कहानी सुनाने आए उसे। पागल है, पागल है सब, इन्हें धंधे का क्या पता, चलो कहीं और चलते। हदिया गल्ला जना आई कुड़िए, एक चंगा ड्रामा माशरे च इनकलाब भी बर्पा कर सकता है। ओ एसटी बनाओ बैंड मास्टर, फाइनेंसर ढूंढना मेरा काम है, यूएस अमेरिका में मेरा डॉक्टर दोस्त। ओ बिस्मिल्ला, तेरा पता ते कट गया मास्टर। कट गया। जूरे के साथ मिलकर खुद की लितर परेड कर, ये लड़की इनकलाब नहीं ग्लैमर मांगती है। ग्लैमर? ओ एसटी बनाओ मेरा मास्टर। बनाओ। आ गया। हाँ यार, वक्त का जूतम पैजार बंद करो और मुझसे या डॉक्टर परी से जो भी तुम्हें अच्छा लगे अपना आप डिस्कस किया करो। क्यों? ताकि तुम्हारी इस अजियत से निकलने में हम तुम्हारी मदद कर सकें। जुड़ा, मुझे ना तो तुम्हारी मदद चाहिए ना ही अजियत है। ये जूते तो इन्होंने मेरी कारकर्दगी का। अगर कुछ रोज के लिए हम ये जूते गायब कर दें तो किसी और के उठा लेते हैं। हो कल कुछ ज्यादा ही हो गया, I'm sorry. For what? ज्यादा स्टाइल ना मारो, मैंने कल तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की। No problem. अब मैं तुमसे कुछ नहीं पूछू। क्यों? क्योंकि तुम सब कुछ खुद मुझे बताओगे। खुद पर बड़ा यकीन है ना? यकीन तो सिर्फ अल्लाह पाक पर है। मेरा यहाँ आना, तुमसे मिलना, सबका कोई ना कोई मकसद होता है ना? Yes. सर सलमान साहब आए हैं। He's coming. Thank you. परी मैं तुमसे कुछ। पहले तुम सलमान से मिल, मैं तो यही हूँ तुम्हारे साथ। तुम बहुत अच्छी। झूठी खबरें ना फैलाओ। डॉक्टर। हाय। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।